हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का नेट का रिजल्ट आ चुका है और जो बच्चे सक्सेस हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो सक्सेस नहीं हुए उनको भी शुभकामनाएं, क्योंकि सफलता और असफलता दोनों एक दूसरे के पूरक है। असफलता का मतलब ये होता है कि आपके जो प्रयास हैं वो थोड़े कम रहे, अगर आप प्रयास और ज़्यादा करते तो आपको सफलता मिल जाती है। नीट में अपनी जो क्वालिटी होती है, बच्चे की क्वालिटी होती है, उसको दिखाना पड़ता है। सिर्फ 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलता है, हमें तार्किक तरीके से, लॉजिकल तरीके से पढ़ना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, हमें कंटेंट को समझना पड़ता है। क्यों बच्चे नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्यों बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, जबकि उनके बोर्ड में 90% से ऊपर स्कोर होता है, लेकिन फिर भी वो नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, क्या कारण है? उसके कुछ बेसिक कारण है। पहला कारण, वो उन्होंने अभी तक सिर्फ रटा है, चीज़ों को याद किया है, समझा नहीं। सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उन्होंने रट लिया उस चीज़ को। अब जब रट लिया तो दिमाग कहे चल नहीं पा रहा, लॉक हो गया दिमाग, तो क्या करें आप उसके लिए? कंटेंट को समझे, एक एक चीज़ पर ध्यान दें, एक एक कंटेंट पर समझे, एक एक जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कंसेप्ट को बारीकी से लर्न करें, फिर उस पर प्रैक्टिस करें, बात समझ में आएगी। उसके बाद आप क्या करें कि जो भी आपने कंटेंट पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, उसको आप बार बार रिवाइज करें, सिलेबस को समय से पहले ख़त्म करें, ऐसे टाइम पर ख़त्म करें कि उसका हम 5-6 बार रिविजन कर सकें। अगर आपने 5-6 बार रिविजन कर लिया और एक पर्टिकुलर किताब पर डिपेंड ना रहे, एक पर्टिकुलर बुक पर डिपेंड ना रहे, आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि हमारा ये स्टडी मटेरियल लो और इसको सोल्व कर लो, ये सफिशिएंट है, वो अपनी ब्रांडिंग बनाने के लिए सब बोलते हैं। लेकिन बच्चे को जो टॉपर स्टूडेंट है वो जानते हैं कि इसके अलावा हमें और स्टडी मटेरियल करना चाहिए। आप जब फर्स्ट टाइम किसी स्टडी मटेरियल को पढ़ते हो, उसको कंप्लीट करने के बाद दोबारा उसको मत देखो, कर लिया पढ़ लिया, अब आप नेक्स्ट स्टडी मटेरियल को देखो, कोई दूसरे राइटर की बुक देखो, कोई दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है, जो बुकलेट है, उसको पढ़ो, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ चीज़ें आप नहीं पाओगे। फिर तीसरी स्टडी मटेरियल को देखो तो कुछ नया पाओगे, कुछ नया पाओगे, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो जो नए क्वेश्चन मिलेंगे, जो नया कुछ पाएगा, तो उससे दिमाग चलना स्टार्ट होगा। रटी रटाई चीज़ों को पढ़ोगे, एक मॉड्यूल आपने कर लिया, फिर उसी को दोबारा कर रहे हो, फिर 3 बार कर रहे हो, दिमाग नहीं चलेगा, कंटेंट नया होना चाहिए। तो कम से कम आपके पास एग्ज़ाम से पहले किसी भी बुक का, किसी भी चैप्टर का 5-6 बार रिविजन चाहिए, तो सफलता मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, बात समझ में। बहुत आसान है स्कोर करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, होपलेस जल्दी हो जाता है, मार्क्स नहीं आते हैं तो छोड़ देते हैं कि भैया आप हमसे नहीं हो पाएंगे। जो लास्ट एंड तक लड़ता है, जो फाइट करता है, वही सक्सेस होता है। अब लास्ट एंड तक फाइट करना सबके बस की बात तो है नहीं, इसलिए क्या है, हमें फाइट लास्ट एंड तक करना पड़ेगा। ये जो 720 नंबर है, ये 720 में से आप 650 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 650 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा है और केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा है और फिजिक्स में अगर आपने मेहनत थोड़ी बढ़ा दी, तो आपका आराम से स्कोर 650 आ जाएगा।
बायोलॉजी में क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, उससे बचना पड़ेगा। और बच्चे का बायोलॉजी बहुत अच्छा होता है, उसमें स्कोर अच्छा होता है। फिजिक्स में आपको मान के चलिए 45 क्वेश्चन में से, ये मान के चलना कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 40 क्वेश्चन तो टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा, तब जाके आप 650 पार कर पाओ। और बहुत आसान है, फिर भी अगर नहीं होता है तो एक बार मिलें, आपको मेहनत करना सिखाएंगे, आपको लॉजिकल पढ़ना सिखाएंगे और आपको एक दिन डॉक्टर बनाकर दिखाएंगे। ओके, बाय बच्चों।